जीवी चर्चा खूप करतात, मात्र अनेक जण आपलं मत देत नाहीत असे विधान करत केंद्रीय रेल्वे मंत्री मनोज सिन्हा यांनी 2004 निवडणुकीची कार्यकर्त्यांना आणि बुद्धिजीवी वर्गाला आठवण आपल्या भाषणातून करून दिली. त्यावेळी प्रत्येक जण म्हणत होता की अटल बिहारी वाजपेयीच पंतप्रधान होणार, बौद्धिक चर्चा करा आणि मतदान पण करा. कल्याणमध्ये भाजप आमदार नरेंद्र पवार यांनी आयोजित केलेल्या बुद्धिजीवी संमेलनामध्ये ते बोलत होते. याचा अर्थ भाजपाच्या केंद्रीय राज्यमंत्र्यांना पुन्हा आपली सत्ता येईल याची खात्री नाही का, असा सवाल उपस्थित केला जातोय. तर या संमेलनात कल्याण मधील बुद्धिजीवी वर्गापेक्षा भाजपाचेच कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. इस परिवेश में मैं आपसे दो तीन आग्रह करना चाहता हूं. आप समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, कैसा देश आप देखना चाहते हैं ये आपको तय करना है. सामान्य रूप से बुद्धिजीवियों की कठिनाई भी है, वो चर्चा बहुत करते हैं और अनेक लोग मत देने भी नहीं जाते. इस सच्चाई से मैं भी वाकिफ हूं, आप में से भी अनेक लोग वो सोचते हैं कि ये तो जीत ही जाएगा नरेंद्र पवार, एक वोट हम नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा. मोदी जी को तो प्रधानमंत्री बनना ही है. आज हम घर पर कुछ लोगों को बुला करके दावत ही दे दें, क्या फर्क पड़ता है. मुझे लगता है कि मुझे याद है 2004 के लोकसभा का चुनाव, में हर व्यक्ति कहता था वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री बनना तो तय है, ये एक सीट हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा. जहां मैं गया और आप, मुझे लगता है कि मंच पर जो लोग हैं उनको भी ये ध्यान में होगा, हर व्यक्ति कहता था कि वाजपेयी जी को दोबारा प्रधानमंत्री फिर से बनना है, इतना काम किया है उन्होंने. तो मुझे लगता है कि बुद्धिजीवियों से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि बौद्धिक चर्चा करके लोगों को तो समझाएं ही, लेकिन भारत के